भाजपा संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाहर होने के बाद राजनीति का सियासी पारा गर्मा गया है। 2013 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा की संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, लेकिन अब उनकी जगह भाजपा के किसी और नेता को सदस्य बना दिया गया है। और अब संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुझे बिल्कुल भी अहम नहीं है कि मैं ही योग्य हूँ। अगर पार्टी मुझे दरी बिछाने का काम देगी तो राष्ट्रहित में मैं यह भी करूँगा। पार्टी मुझे जहाँ रहने को कहेगी मैं वहीं रहूँगा। राजनीति में किसी को भी महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ देश के बारे में सोचिए, बाकी आपके लिए पार्टी हमेशा ही करती है। सीएम ने आगे यह भी कहा कि मैं सिर्फ काम करता रहूँगा और निरंतर देश हित के लिए समर्पित रहूँगा। दरअसल एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने इन बातों का जिक्र किया। सीएम ने यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है और इसके प्रवाह में कोई आगे बढ़ता है तो कोई बाहर भी निकल जाता है। केंद्रीय स्तर पर एक टीम होती है जो यह तय करती है कि किसे क्या काम करना है और कौन क्या काम करेगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।